हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए फ़ोटो के साथ। अगर आप अपनी खुद की फ़ोटो कुछ इस तरह की एडिट करना चाहते हो या बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। उसके लिए चाहिए आपको अपनी सिंपल सी फ़ोटो कुछ इस तरह से खींची हुई, दूसरे नंबर की है बैकग्राउंड इमेज और तीसरे नंबर की है व्हाट्सएप चैटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस वाली फ़ोटो के बैकग्राउंड को इरेज करना होगा, उसके बाद हमें इस वाली फ़ोटो के भी बैकग्राउंड को इरेज करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए जाएंगे हम यहाँ बैकग्राउंड इरेजर ऐप्स में, फिर जाएंगे लोड अ फोटो और उसमें गैलरी, वहाँ से हम अपनी पहली वाली इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद ऐसे डन कर ले, फिर जाए यहाँ ऑटो और फिर बैकग्राउंड को इरेज करें। फिर यहाँ से डन कर लेंगे और फिर सेव। और फिर यहाँ से फिनिश कर लेंगे। उसी तरह हमें दूसरी वाली फ़ोटो पे भी बैकग्राउंड को इरेज करना है। उसके लिए जाएंगे लोड अ फोटो और फिर गैलरी, वहाँ से हम अपनी दूसरी वाली इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डन कर लीजिए। फिर जाए यहाँ एक्सट्रैक्ट में, सब पहले जो कर्सर है उसकी साइज यहाँ से 0 कर लेंगे। फिर हमें जो हिस्सा चाहिए उसे हम यहाँ से कीप करेंगे। अब हमें जो नहीं चाहिए उसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर इस तरह से रिमूव कर लेंगे। फिर यहाँ से डन कर लेंगे। और फिर सेव। और फिनिश कर लेंगे। अब हम जाएंगे सीधा जो हमने अभी फ़ोटो सेव की थी वहाँ पर, ये पहली वाली फ़ोटो जो जिसकी बैकग्राउंड हमने इरेज की और ये दूसरी वाली फ़ोटो। चलिए पहली वाली फ़ोटो से स्टार्ट करेंगे। जाएंगे यहाँ शेयर में और फिर पिक्सआर्ट में। जैसे पिक्सआर्ट ओपन होता है हम जाएंगे यहाँ ड्रॉ में, वहाँ पर हम जाएंगे ऐड ऑब्जेक्ट और फिर फोटो, वहाँ से हम अपनी बैकग्राउंड वाली इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कहीं भी अपनी डिस्प्ले पे टच कर लीजिए। जाए यहाँ लेयर पैनल, फिर फोटो को थोड़ा जूम आउट कर लीजिए, फिर जाएंगे लेयर एक्शन और फिर ट्रांसफर। सेट करने के बाद यहाँ से डन कर ले। अब ये पहली वाली लेयर को दूसरे नंबर पे रख लीजिए। जाए पहली वाली लेयर पे, उसमें जाए लेयर एक्शन और फिर ट्रांसफर। फोटो की पोजीशन को सेट कर लेंगे, यहाँ से डन कर लीजिए। फिर जाए यहाँ ऐड लेयर, उसमें जाए एम्प्टी लेयर और फिर जाए यहाँ ऐड ऑब्जेक्ट और उसमें फोटो, वहाँ से हम अपनी तीसरी वाली इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डन कर लें, कहीं भी डिस्प्ले पे टच कर लीजिए। फोटो को थोड़ा जूम इन कीजिए, फिर जाए लेयर एक्शन और फिर ट्रांसफर। फोटो के पोजीशन को सेट कीजिए। सेट करने के बाद यहाँ से डन कर लीजिए। फिर लेयर पैनल को क्लोज कीजिए, फिर जाए यहाँ से डन, फिर यहाँ से डन, फिर गैलरी। फोटो सेव हो चुकी है।